मुलाहिज़ा फरमाए, ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। फरमाए, माहौल बनाइए। अच्छा क्या समझ गए? ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता, हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। वाह वाह। अदब, ऐसे इंसान से क्या बहुत शुक्रिया, आप माहौल बना रहे, मैं सलाम पेश करता हूँ। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता, हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। नौजवानों, अपने इस भाई का शेर अपने साथ ले जाइए कि तू बड़ा ही करीम है मौला, बड़ा ही करीम है, आया है तू बड़ा ही करीम है मौला, कौम गमगीन की हिफाजत कर, जंग इस्लाम दुश्मनों से है तू फलस्तीन की हिफाजत कर। आमीन कहिए और मेरा साथ दीजिएगा, दिल निकाल के रखूंगा आपके। 2008 के बाद शायद अब मैं आया हूँ, मुझे नहीं मालूम। तू बड़ा ही करीम है मौला, कौम गमगीन की हिफाजत कर, जंग इस्लाम दुश्मनों से है तू फलस्तीन की हिफाजत कर, उसकी चश्मे करम जो हो जाए, सुने ये नूरानी लोग, उसकी चश्मे करम जो हो जाए मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए। समाज फरमाए, उसकी चश्मे करम जो हो जाए मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए, ए खुदा मेरी कौम के बच्चे खालिद इब्ने वलीद बन जाए। आमीन तुम आमीन। सबको अच्छा लगा तो सब तालियां बजा के मुझे बताइए कि मैं आदाब। उसकी चश्मे करम जो हो जाए मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए, ए खुदा मेरी कौम के बच्चे खालिद इब्ने वलीद बन जाए। जो विरासत में हमने पाए, मुझे उन लोगों से बात करनी ही नहीं होती है जो बात करने के काबिल नहीं होते। जो विरासत में हमने पाई हैं वो हदें खत्म हो नहीं सकती। जो विरासत में हमने पाई हैं वो हदें खत्म हो नहीं सकती, साजिशें लाख हों यहाँ माजिद, मस्जिदें खत्म हो नहीं सकती। आदाब, जो विरासत में हमने पा, मैं रफ्ता रफ्ता आप तक आ रहा हूँ। जो विरासत में हमने पाई हैं वो हदें खत्म हो नहीं सकती, साजिशें लाख हों यहाँ माजिद, मस्जिदें खत्म हो नहीं सकती। अब मेरा साथ दीजिए, मैं गजल शुरू करता हूँ। जहाँ में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जहाँ में वो भी ना एक, मूड है ना आप लोगों का, बच्चों मूड है, जहाँ में, बहुत शुक्रिया, जहाँ में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जहाँ में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा, जो दूसरों के गमों पर, शुक्रिया, जहाँ में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। देखिए मैं आप ही की बात कर रहा हूं क्योंकि इसी उम्मत का एक गुनहगार, कभी हंसाएगा तुमको कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा तुमको कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा तुमको कभी रुलाएगा, हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा, बेशक हमारा खून। भाई अल्लाह सलामत रखे, आप लोग थके नहीं हालांकि सारी रात से बैठे। कभी हंसाएगा
तुमको कभी रुलाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। एक शेर नजर करता हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। मलाइजा फरमा मन्नान भाई सुने, के हमने देखा है फिरौन का फना होना। मलाइजा फरमा, के हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा गुरूर भी अच्छा लग रहा है आपको, जरा बता दीजिएगा मर्दों की तरह। आदाब, के हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। हजरात, ये वक्त बड़ी अजीब और गरीब चीज है। शाहीन बाग की शहजादियों का नाम आपने सुना होगा, वही शाहीन बाग जिसके लिए हमारे बच्चे हमारी बेटियां जख्मी हुई। मेरी दो बेटियां जामिया की लाइब्रेरी में थी, जिनमें से एक बेटी को आपने देखा होगा कि जब एनडीटीवी लाइव उसको दिखा रहा था तो एक बच्ची को दीवार से लोग उतार रहे थे, वो मेरी बड़ी बेटी थी जो जख्मी हुई। दूसरी मेरी बेटी लाइब्रेरी में थी, वो भी जख्मी हुई। लेकिन मैंने उन दोनों बेटियों को ये कहा कि बेटे, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे अब्बा ने कभी झूठ नहीं बोला, आपको भी हक का साथ देना है। ये लफ्जिशें तो आती रहती हैं, साजिशों से डरना नहीं। अगर ईमान वाली हो तो साबित करो अपने अमल से, अपने किरदार से कि तुम ईमान वाले हो। शाहीन बाग की शहजादियों के बारे में आज जो जंतर मंतर पर हमारे पहलवान बेटियां बैठी हैं, हम उनके गम में साथ हैं। लेकिन उनमें एक वो भी है पहलवान जिसने कहा था कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन बाग की शहजादियां नहीं घबराई थी और आज वो बेचारी रो रही है, लेकिन हम उसके रोने में उसके साथ हैं। वक्त फिर हमें अपना आईना दिखाता है। शेर पेश करता हूं, अगर सच बोलूं तो मुझे बताइएगा। कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। हमारी माँ में है आयशा भी जहरा भी। अनवर भाई सुनिए, हमारी माँ में है आयशा भी जहरा भी, जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा। जो ये ना हो, बहुत शुक्रिया। हमारी माँ में है आयशा भी जहरा भी, जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। बताइए गजल आपको कैसी लगी, तो मैं चंद अशआर और पेश करता हूँ। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक।